हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम कवर करेंगे 7th, 8th और 9th का करंट अफेयर। इस वीडियो में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी न्यूज जो है वो मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट वीडियो है उसकी रिविजन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर इट्स मर्जर विद देना बैंक एंड विजय बैंक। तो देना बैंक और विजय बैंक क्या हमने शॉर्टकट किया था, विजय को बार में जाने देना, तो क्या आंसर आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। हु वन द मैन सिंगल टाइटल इन द सनराइज इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन, किसकी हुई थी विक्ट्री, तो क्या आंसर याद था, विक्टर, तो विक्टर आ गया। नेम द थर्ड एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हेल्ड एट विशाखापट्टनम, तो क्या क्या कैसे याद किया था, पति का नाम हमने सिंटेक्स रख दिया विशाखापट्टनम सिंटेक्स, तो क्या आ गया, ऑसिंडेक्स। और ये तो इजी क्वेश्चन था, किस कंट्री को जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस मिली है फॉर द थर्ड ईयर इन ए रो, तो ये तो आपका फेवरेट कंट्री आ गया हमारा इंडिया, इंडिया को मिला है। और विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन ई लर्निंग, तो जब स्टूडेंट ने कहा तो सर मुझे लर्न नहीं हो रहा, तो मैंने उसको क्या कहा था, तेल लगाना, तो क्या आंसर आ गया, तेलंगाना। तो ये हो गए लास्ट वीक के, आई होप कि आपको सारे आते होंगे। तो आज का जो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट न्यूज है, चेतन भगत अनाउंसेस नेट न्यू बुक इंडिया पॉजिटिव। आपको पता है चेतन भगत जो है बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उनकी एक नई बुक का ही है, क्या नाम है उसका, इंडिया पॉजिटिव। कैसे याद करना है, इंडिया के जो भगत है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इंडिया के जो भगत हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। भगत जो है हमेशा भगवान के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुनना चाहते, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इंडिया का जो भगत है वो क्या है, पॉजिटिव हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चेतन भगत की जो नई बुक है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ क्रोएशिया। ये क्रोएशिया कंट्री का नाम है, वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको मिला है। इस जो पेपर में आ सकता है कि क्या अवार्ड है, अवार्ड का नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लैव। ये नाम है इसका, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लैव, ये याद करना आपने। और जो प्रेजेंट कोविंद जो है, ही इज द फर्स्ट एवर इंडियन हेड ऑफ द स्टेट टू विजिट क्रोएशिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ स्टेट कौन बन गया जिसने क्रोएशिया विजिट किया है, कौन है वो, रामनाथ कोविंद है। और अवार्ड का नाम क्या है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ टॉमिस्लैव, और कौन सी कंट्री ने दिया है, क्रोएशिया ने दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये तो क्रोएशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम क्या है, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम है भारत रत्न। और भारत रत्न जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1954 में स्टार्ट हुआ था। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी जैन में जो है भारत रत्न जो है तीन लोगों को मिला था 2019 का। कौन कौन से तीन लोग थे, एक थे नानाजी देशमुख, एक थे डॉक्टर भूपेन हजारिका, एक थे प्रणब मुखर्जी। क्योंकि जैन में मिला है तो अगले फार्म्स होते हैं उनमें 5-6 महीने का करंट अफेयर आता है, तो ये 100% चांसेस हैं कि ये जो तीनों के जो नाम है हर पेपर में अगले 4-5 महीने में जो भी पेपर होने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का। इसको याद कैसे करना है, जब इनको अवार्ड मिला तो ये खुश हो गए, तो नानाजी ने कहा खीर खाने के लिए खुश हो गए, मुंह मीठा करना था, खीर खाने के लिए हाजिर रहना, नाना जी खीर खाने के लिए हाजिर रहना, बहुत सिंपल है ना। नानाजी देशमुख नानाजी बन गया, प्रणब मुखर्जी से खीर बन गया, देखिए देखो खीर दिख रहा है ना, खीर हजारिका से हाजिर बन गया, तो नानाजी खीर खाने के लिए हाजिर रहना है। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, US approves द सेल ऑफ 24 MH-60 रोमियो सिया हॉक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। अभी US ने जो है अप्रूवल दे दी है ये MH-60 रोमियो, जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है उसका नाम है MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं ये, और कितने में खरीदने हैं इंडिया ने, ये 2.6 बिलियन में। तो रोमियो जो है वो समुंदर में घूमने गया, रोमियो जो हेलीकॉप्टर का नाम है रोमियो सी हॉक, मतलब रोमियो जो है वो समुंदर में घूमने गया, ये इसका शॉर्टकट बन गया। ये मैरीटाइम हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट जो है वो इसको मोस्ट कैपेबल जो है हेलीकॉप्टर कहते हैं, सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है। नेक्स्ट न्यूज है, UAE ऑनर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर जैद मेडल। किसने, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है जिसका नाम है
जेड मेडल, और किसको दिया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि उनको ये है कि उनको सारी दुनिया के अवार्ड मिले, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जिद है, उनकी क्या जिद है कि उनको देखो, उनको सियोल प्राइज मिला, आज जो है उनको रशिया का हाईएस्ट ऑनर भी मिल गया, तो अभी उनको जो है वो यूएई ने भी हाईएस्ट अवार्ड दे दिया। तो क्योंकि मोदी जी की जिद है कि उनको सारे अवार्ड मिले, क्योंकि वो बहुत काम कर रहे हैं। तो जेद मेडल, जिद मेडल, मतलब देखो जेद मेडल किसको मिला, जिद कौन कर रहा है मेडल लेने की, जिद कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जिद है कि उनको सारे अवार्ड मिले। अच्छा काम कर रहे हैं तो मिलने भी चाहिए। ओके, विपिन आनंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC का जो नए जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? विपिन आनंद बने। देखो, आपने बहुत, आप जब एडवर्टाइजमेंट देखते हो, टीवी देखते हो, तो टीवी में एक LIC की बहुत फेमस पॉलिसी है जिसकी एड बहुत आती है, जीवन आनंद। तो जीवन आनंद से जो है हम इसको याद कर सकते हैं, विपिन आनंद। तो आनंद जो है उनको LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। ठीक है, अब इसमें LIC क्या है? LIC तो हमें पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, लेकिन LIC है या जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम कंपनी के कंपनीज को जो रेगुलेट करती है, ऐसे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे बैंक हैं, उनको रेगुलेट करता है RBI, तो ऐसे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करता है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या नाम बना? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, IRDA, जिसको कहते हैं IRDA। इट इज एन ऑटोनोमस एंड स्टेटरी बॉडी टू रेगुलेट एंड प्रमोट द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको प्रमोट, उनको रेगुलेट कौन करता है? IRDA करता है। कब फाउंडेशन हुई थी? 99 में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया। कौन है चेयरपर्सन? सुभाष चंद्र खूंटिया। आपने अच्छी तरह जो है, देखो आज के जो वीडियो है उसमें बहुत सारे स्टैटिक GK भी कवर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। BSE इंडिया INX द फर्स्ट एवर इंडियन स्टॉक इंडियन एक्सचेंजेस टू साइन MOU विद MOEX। अब ये MOEX क्या है, BSE क्या है, इंडिया INX क्या है, BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। INX क्या है? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। और MOEX क्या है? आपकी मॉस्को एक्सचेंज। मॉस्को मतलब रशिया की एक्सचेंज। तो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, BSE और जो मॉस्को एक्सचेंज ने आपस में एक MOU साइन किया है टू हेल्प द इन्वेस्टर कम्युनिटीज एंड कंपनीज इन बोथ इंडिया एंड रशिया। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि BSE या इंडिया INX ने किस कंट्री की जो एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है वो MOU साइन किया है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? नाम से वैसे पता चल रहा है कि जो है ये मुंबई में है। फाउंडेशन जो है इसकी प्रेमचंद रोयाचंद ने करी थी। इट इज एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, एस्टैब्लिश इन 1875 एंड इट इज वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो जो है BSE, INX और मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो MOU हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, BSNL हैज रिसीव्ड द इन फ्लाइट कनेक्टिविटी लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जो DOT है उसने किस कंपनी को जो है रिसेंटली इन फ्लाइट, इन फ्लाइट मीन्स कि जब जैसे आप एरोप्लेन में जाते हैं कभी, तो एरोप्लेन के अंदर जो है आपका इंटरनेट नहीं चलता, अब जो है आपको कुछ पेमेंट करके जो है BSNL को कोई लाइसेंस मिल गया, तो अब आपको इंटरनेट जो है, आप कोई भी अपना YouTube या जो आपका Facebook है, Instagram है, WhatsApp है, आप जो है आप फ्लाइट के अंदर भी जो है मिस नहीं करेंगे, क्योंकि BSNL को इन फ्लाइट जो है वो लाइसेंस मिल गया। आप जो है वाईफाई जो है आपको कनेक्ट हो जाएगा फ्लाइट के अंदर भी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर सोनी शास्त्री, जिनको D.Litt जो है डिग्री मिली है, D.Litt की किसने दी है? एस्ट्रोलॉजी में मिली है, ये किसने दी है? नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA। किसने दी है? नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA। क्यों दी है? क्योंकि ये सोनी शास्त्री थी। शास्त्री मतलब एस्ट्रोलॉजर है ना, एस्ट्रोलॉजर को मतलब आप रिलेट कर सकते हो, शास्त्री मतलब एस्ट्रोलॉजर, जो शास्त्री मतलब जो आपके जो टेवा वगैरह देखते हैं उनको शास्त्री कहते हैं, और जो वो एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं आपका सारा जो है वो जन्म पत्री के बारे में बता देते हैं आपके साथ क्या होने वाला है, तो वो सोनी शास्त्री थी, इसलिए उसको D.Litt दे दिया।
ये मतलब याद करने के लिए है, वैसे तो उनकी जो है उन्होंने अचीवमेंट्स होंगी इसलिए उनको डीलिट की डिग्री उपाधि मिली है, लेकिन जब हम इसको ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं कि सोनी शास्त्री को जो है वो डीलिट मिला एस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, शाहरुख खान को अवार्ड मिला है, ऑनररी डॉक्टरेट मिला है, कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने। तो शाहरुख खान तो वैसे ही इतना फेमस पर्सन है कि इसका तो शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ही शॉर्टकट है कि जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जो है किस सेक्टर को रिसेंटली जो है डॉक्टर की मिली है डिग्री दी है, वो किसको दी है? शाहरुख खान को दी है, किसके? कोई भी, ये डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी, साउथ कोरिया ने अनवील्ड 5G नेटवर्क टू सिक्योर वर्ल्ड फर्स्ट। अब साउथ कोरिया कैसी कंट्री, देखो 5G मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक में पढ़ाया था कि फाइव कौन सी जो है सिटी जो है वहां पर 5G लॉन्च हुआ, कैसे याद किया था? 5G जब जिस 5G आ गया उसकी क्या बन गई? शान बढ़ गई थी, शान मतलब शंघाई, ऐसे याद किया था। तो अब साउथ कोरिया जो है वो ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने जो है नेशन वाइड जो है वो 5G जो है वो लॉन्च कर दिया है। साउथ कोरिया जो है उसकी कैपिटल कौन सी है? सियोल है। अभी मैंने आपको लास्ट न्यूज में भी पढ़ाया कि जो है प्रधानमंत्री मोदी को सियोल पीस प्राइज भी मिला, तो वो सियोल पीस प्राइज जो है साउथ कोरिया ने दिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है वॉन और प्रेजिडेंट है मून जे। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई चलती रहती है, आपको पता है प्रेसिडेंट जो है उसमें जो है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, इनको आपस में इनका समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ गया, साउथ कोरिया की कैपिटल आ गई, सियोल आ गई, करेंसी वॉन आ गई और प्रेसिडेंट जो है वो मून जे। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सारी पेपर में आने वाली न्यूज है, कोई भी मिस मत करना, आपने वीडियो एंड तक देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फेयांग विलेज ऑफ मणिपुर टैग्ड एज इंडिया फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट कौन से विलेज को मिला? फेयांग विलेज को। फेयांग विलेज कहां पर है? मणिपुर में है। अब ये क्या है, फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट विलेज को कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट की जो टैग कब मिलता है? व्हेन इट सिक्वेस्टर्स, सिक्वेस्टर मतलब अब्सॉर्ब करना, व्हेन इट अब्सॉर्ब मोर कार्बन देन इट इमिट्स मींस रिलीज। कि यार ये एक ऐसा विलेज बन गया कि जो है अब्सॉर्ब ज्यादा कर रहा है और रिलीज कम कर रहा है, इट मीन्स कि जहां यहां पर जो है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज है फीफा की, जो फीफा जो है फुटबॉल की बॉडी है, इसने जो है रिसेंटली रैंकिंग्स दी है जिसमें बेल्जियम जो है नंबर 1 पे है, टॉप रैंक है, और फ्रांस दूसरे नंबर पे है, इंडिया, क्योंकि हमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है उसकी रैंक है 101। फीफा क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज एन इंटरनेशनल गवर्निंग एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, जैसे हमारी क्रिकेट की BCCI है, ऐसे फुटबॉल की क्या है? फीफा है। इसका जो प्रेजिडेंट है वो ज्ञानी इन्फेंटिनो है। कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ज्यूरिच जो है वो स्विट्जरलैंड में है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा आपको आपके लिए, क्योंकि इतने सारी बॉडीज हैं, इतने सारे हेडक्वार्टर्स हैं, कैसे याद करना है किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, IMF का कहाँ है, फीफा का कहाँ है, तो सार्क का कहाँ है, इसका शॉर्टकट बनाऊंगा आपके लिए मैं जल्दी ही। तो ये हो गया हमारा फीफा के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, नेक्स्ट न्यूज़ ये है, एक बुक आई है कुंदन सैगल्स लाइफ एंड म्यूजिक। ये कुंदन जो थे, कुंदन सैगल जो थे, हमारे एक म्यूजिक म्यूजिशियन थे या आप कह लो सिंगर थे, जिनके ऊपर नई बुक आई है। और पेपर में क्या आ सकता है कि ये किसने लिखी है? शरद दत्त ने दिखी है, लिखी है। किसने लिखी है? शरद दत्त ने। कुंदन सैगल की डेथ हो चुकी है ना, तो कुंदन सैगल की जब डेथ होगी तो उनका क्या करना है? हमने श्राद्ध करना है। तो श्राद्ध से, शरद दत्त से हमने क्या कर लेना है? श्राद्ध याद कर लेना है। तो कुंदन का क्या करना है? श्राद्ध करना है। इसलिए कुंदन सैगल वाली बुक किसने लिखी? शरद दत्त ने लिखी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सहूलत अ मोबाइल ऐप लॉन्च टू फैसिलिटेट एल्डर्स वोटर्स इन जम्मू। एक नई ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसका नाम है सहूलत। कहां पर लॉन्च हुई? टू फैसिलिटेट द एल्डर्स वोटर्स इन जम्मू हुई। देखो ये न्यूज मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। क्या करती है ये? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। क्या करती है? इट फैसिलिटेट द, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। कौन कौन से इलेक्शन करती है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन, जैसे पार्लियामेंट और लोकसभा के आजकल हो रहे हैं ना,
स्टेट लेजिस्लेटिव के और लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, तो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव के और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा है, और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो दो इलेक्शन कमिश्नर उनके नाम क्या है, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है, बोलो फटाफट, सुनील अरोड़ा है, और जो इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम क्या है, अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कि क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो जो नई ऐप आई है उसका नाम क्या है, सहूलत, और कहां पर लॉन्च हुई है, ये जम्मू में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब होता है कॉपरेशन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहां पे हो रही है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है दो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सिनर्जीज के लिए। कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है 230 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। इन दोनों की सिनर्जीज के लिए जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। कौन कौन सी दो, 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज दो। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर हो रही है, ये हो रही है कॉपेनहेगन। कॉपेनहेगन कहां पे है, डेनमार्क में है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिसेंटली जो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है फॉर सिनर्जीज बिटवीन 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहां पर हो रही है, कॉपेनहेगन डेनमार्क में हो रही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारी, ESPN ने, आपको पता है आजकल IPL का मैच भी चल रहा है, आप जो ESPN एक स्पोर्ट्स चैनल है उसके रिसेंटली अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं उसने। कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है, पीवी सिद्धू को। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में मिला है। एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सौरभ चौधरी को पिस्टल शूटिंग के लिए। कोच ऑफ द ईयर मिला है जसपाल राणा को लिए पिस्टल शूटिंग के लिए। और कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सैना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए। तो किस किस को मिला, रिवाइज करते हैं, पीवी सिद्धू को मिला फीमेल कैटेगरी में, नीरज चोपड़ा का मिला मेल कैटेगरी में, एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन का किसको मिला, सौरभ चौधरी को मिला, कोच ऑफ द ईयर किसको मिला, जसपाल राणा को मिला पिस्टल शूटिंग के लिए, और कम बैक ऑफ द ईयर किसको मिला, सहना नेहवाल बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अब, डेविड मालपास हैज बीन इलेक्टेड एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बन गया कौन, डेविड मालपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैंक के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट बना कौन, डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आज के जो वीडियो है इसमें स्टैटिक जीके मैं बहुत सारी कवर कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने सुना होगा एक वर्ल्ड बैंक है, एक IMF है। इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल दैट प्रोवाइड्स लोन टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। मींस जैसे किसी शहर की अच्छी डेवलपमेंट होनी है, चाहे पानी से रिलेटेड है, सड़कों से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके। इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन आती है, इट कंप्राइज ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। वर्ल्ड बैंक जो है दो को मिला के बना है, IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक IBRD और IDA को मिला के हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक है। अब IBRD और IDA दोनों के अलग अलग काम है। So, IBRD जो है, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स लोन टू मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। देखो फर्क क्या दोनों में, IBRD और IDA में, ये लोन देती है मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को, और जो IDA है ये ऑफर लोन करता है किसको, वर्ल्ड पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। दोनों में फर्क ये है कि एक IBRD है मिडिल इनकम को लोन देती है कंट्रीज को, एक IDA है जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को देती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में। अमेरिका ने सब कुछ पैसे वाली चीजें अपने पास रखी हुई हैं। IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में और वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन में है, और फाउंडेशन हुई थी इसकी 1944 में। और कौन बना इसका नया प्रेसिडेंट, डेविड मालपास, याद रहेगा डेविड मालपास। नेक्स्ट चलते हैं हम,
विक्रम किर्लोस्कर वॉज डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आपने सुना होगा सीआईआई, सीआईआई का फेयर भी लगता होता है ना अलग अलग सिटीज में। तो सीआईआई का जो नया प्रेसिडेंट बना है वो कौन बना है? विक्रम किर्लोस्कर। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आजकल गर्मी आ गई, एक जेनसेट लगे होते ना किर्लोस्कर के, अब किर्लोस्कर क्या एक इंडस्ट्री है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडस्ट्री सीआईए मतलब इंडस्ट्री का हेड किसको बनाया, वो जेनसेट वाला बंदा कौन है? किर्लोस्कर है, तो किर्लोस्कर को बनाया, याद रहेगा ना किर्लोस्कर जेनसेट, गर्मी से किर्लोस्कर याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, केशव मुरुगेश टेक्स ओवर एज नासकॉम चेयरमैन। अब ये पहले जो है वो सीआईए का बना, अब केशव जो मुरुग देश किसका बन गया? नासकॉम का बन गया। नासकॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है इसके फुल फॉर्म? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इट इज अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इंडस्ट्री। ये एसोसिएशन है किसकी? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इंडस्ट्री की। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1988 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नासकॉम। कौन बना इसका नया जो है वो चेयरमैन? केशव मुरुगेश। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है सारी। नेक्स्ट है, एआईएफएफ प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये प्रफुल्ल पटेल कौन है? प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। इनको जो है, इनको फीफा की जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसका मेंबर बना दिया, और पहले इंडियन बन गए जिनको इतनी जो है हाई पैनल का जो है वो मेंबर बनाया गया है। इट इज एलाइट पैनल ऑफ द गेम्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी। फुटबॉल में हालांकि इंडिया की 101 रैंक है, लेकिन फीफा में हालांकि इंडिया की इतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम जो है ये इनकी जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है इनको मेंबर बनाया गया है। किसको? प्रफुल्ल पटेल को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं हम, लोरी लाइट फुट जो है इलेक्टेड एज फर्स्ट ब्लैक वुमेन मेयर ऑफ शिकागो। तो ये शिकागो जो है यूएसए में है, इसकी फर्स्ट वुमेन जो है ब्लैक मेयर बनी है, जिसका नाम है लोरी लाइट फुट। क्या नाम है? लोरी लाइट फुट। नेक्स्ट है हमारे, टीवीएन राधाकृष्णन टू बी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इंडिया का जो है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, सबसे पुराना हाई कोर्ट है, उसके नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस टीवीएन राधा कृष्णन। राधा और कृष्ण दोनों को मिला के देखो, राधा कृष्णन बन गया। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, आपने अब ये जाना नहीं है। देखो अभी एसबीआई पीओ आ रहा है, एसबीआई क्लर्क आ रहा है, एलआईसी का पेपर आ रहा है, रेलवे का पेपर आ रहा है, आपका बहुत सारे एग्जाम आईबीपीएस आरआरबी आएगा। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने हर जो है दो तीन दिन का जो करंट अफेयर बना रहा हूं उसको रेगुलर देखना है। आपने ये नहीं सोचना है कि हमने एंड में देखेंगे, पेपर से पहले देखेंगे, फिर आपको याद नहीं रहेंगी इतनी सारी। हर हफ्ते देखो, हर हफ्ते जो है 20-25-30 न्यूज हो रही है, तो फिर तो 4-5 महीने का जब करंट अफेयर करोगे तो बहुत सारी न्यूज हो जाएंगी आपको। 500-600 न्यूज याद करना इतना आसान नहीं है, तो आपने साथ साथ में पूरा वीडियो देखना है। तो आपको पता ही है कि हम वीडियो के एंड में क्या करते हैं, जो हमने पढ़ाया है उसको हम रिवाइज करते हैं। तो चलो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हमने क्या पढ़ा था? जो बुक है इंडिया पॉजिटिव, इसका ऑथर कौन है? अब इंडिया का, इंडिया में पॉजिटिव कौन होता है? भगत होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? चेतन भगत आ गया। क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है किंग ऑफ, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ टमिसलाव, ये किसको मिला? ये मिला हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को। एमएच सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया यूनाइटेड स्टेट्स से। जो मैंने ये कैसे याद किया था, जो रोमियो सी हॉक, रोमियो सी में घूमने गया। नेम ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन हु इज ऑनर्ड विद यूएई हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जैद मेडल, किसकी जिद है उसको सारे अवार्ड मिले? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो उनका आंसर क्या आ गया? नरेंद्र मोदी आ गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एलआईसी, जीवन आनंद से याद किया था आनंद, तो क्या आंसर आ गया हमारा? बिपिन आनंद आ गया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अभी बंद नहीं करना है इसको वीडियो को। देखिए देखिए, अल्टीमेटली ये वीडियो आपके एग्जाम पास कराने में हेल्प करेगा। तो आप देखो, मे बी आप बिजी होते हैं, लेकिन अपने लिए 20-25 मिनट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली आपका करियर बनेगा इससे। नेक्स्ट न्यूज है,
विच टेलीकॉम कंपनीज को है रिसेंटली फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस मिला है? तो सिंपल था, भारत संचार निगम निगम लिमिटेड, BSNL. नेक्स्ट था, विच इंडियन पर्सनैलिटी जो हैज बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर ऑफ फिलेंथ्रोपी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन? ये तो सिंपल था, डॉक्टर सॉरी शाहरुख खान. नेक्स्ट है, विच कंट्री डिसाइडेड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 5G नेटवर्क? इसका आंसर था साउथ कोरिया. नेक्स्ट है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द फीफा? इसका आंसर था 101 था. हु इज ऑथर ऑफ द बुक कुंदन? कुंदन का श्राद्ध याद किया था आपने, शरद दत्त हो गया इसका. हमारी नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस ऑफ सिनर्जीज बिटवीन? ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी कोपनहेगन डेनमार्क में. स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मेल कैटेगरी में किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला. US ट्रेजरी ऑफिशियल डेविड मेलपास को किस चीज का प्रेजिडेंट बनाया? वर्ल्ड बैंक का बनाया. प्रेजिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री किर्लोस्कर याद किया था, विक्रम किर्लोस्कर हो गया. और नेक्स्ट है, केशव मुरुगदेश को जो है किसका चेयरमैन बनाया? नासकॉम का. फर्स्ट इंडियन जो है जिसको मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं. और जो है फर्स्ट ब्लैक वुमेन जिसको मेयर बनाया शिकागो का, आपको बनाया लॉरी लाइटफुट को. आपने वीडियो को कम से कम दो बार देखना है, आज भी देखना है, और उसके बाद जो है एक बार जो है हफ्ते बाद जो है इसकी रिवीजन करनी है, फिर आपकी ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. क्योंकि मेंस के एग्जाम्स में चाहे वो SBAPO है, क्लर्क है, LIC का, GK की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में. थैंक यू वेरी मच.